जय हिंद, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आरओ यारो हिंदी फुल मॉक टेस्ट की इस क्लास नंबर 5 में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, यूपीपीएससी के माध्यम से आरओ यारो 2023 की वैकेंसी आने वाली है, उसी के लिए हम लगातार हिंदी की प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, जिसमें आज आप सभी के सामने 5वां फुल मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। जैसा कि आयोग प्रश्न पूछता है, उसी प्रकार का ये पेपर है। जीएस वर्ड कोचिंग की तरफ से जो टेस्ट सीरीज दी गई है, उसी का ये टेस्ट नंबर 5 होगा। तो आइए मित्रों, आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि इसी प्रकार की प्रैक्टिस आप हमारे साथ करते रहें। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, जिससे कि आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए मित्रों, अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आज की क्लास का आप सभी के सम्मुख है। पहला प्रश्न आप सभी के बीच है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है आपके सामने ईर्ष्या, और पूछा है इनमें से कौन सा शब्द इसका पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है उड़न, द्वेष, डाह और उत्कंठ। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, दिए गए ऑप्शन में से जो शब्द दिया ईर्ष्या, इसका पर्यायवाची उत्कंठ नहीं है। बाकी देखिए, याद रखेंगे ईर्ष्या का कुड़न होता है, डाह होता है और द्वेष होता है। ये तीनों ही किसके ईर्ष्या के पर्यायवाची हैं, जबकि कुण जो उत्कंठ दिया है ये ईर्ष्या का पर्यायवाची नहीं है, ये इच्छा का पर्यायवाची होता है। याद रखेंगे किसका पर्यायवाची होता है, तो ये दोस्तों आपके इच्छा का पर्यायवाची होता है। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। एक वस्त्र दिया गया, इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन है पट, मयूख, चीर, वशन। ऑप्शन नंबर बी इसका ये सही आंसर हो जाएगा। मयूख वस्त्र का पर्यायवाची नहीं है, जबकि देखिए वस्त्र के पट होता है, चीर होता है और वशन, तो ये तीनों ही वस्त्र के पर्यायवाची होते हैं। अब यहाँ पर बात करें मयूख की, तो ये मयूख किसका पर्यायवाची है, तो याद रखेंगे मयूख का जो अर्थ होता है वो होता है किरण। क्या होता है? किरण। तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अभी देखिए आपसे हमने पूछा था कि मयूख का अर्थ होता है किरण, अब आपसे पूछा कि इनमें से कौन सा शब्द किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताएंगे सभी साथियों। ऑप्शन है तुषार, अंशु, रश्मि और मरीच। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए तुषार। ये किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं होता, जबकि रश्मि, मरीच और अंशु ये तीनों ही किरण के पर्यायवाची शब्द होते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। आपसे कामदेव का पर्यायवाची पूछा है। ऑप्शन है परिजात, मधुसूदन, अरविंद और मनमंत। तो दोस्तों याद रखेंगे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनमंत। जी हाँ मित्रों, यहाँ पर जो मनमंत है ये कामदेव का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। देखिए अरविंद दिया गया, ये कमल का पर्यायवाची होता है, ठीक है। मधुसूदन कृष्ण का पर्यायवाची होता है, आप इन सभी को याद रखते चलें, और ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अरविंद कमल का पर्यायवाची होता है, मधुसूदन कृष्ण का पर्यायवाची होता है, मनमंत कामदेव का पर्यायवाची होता है। अब यहाँ पर जो परिजात बचा, ये परिजात जो परिकल्प होता है उसका ये पर्यायवाची होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। आकाश का पर्यायवाची आपसे पूछा है। ऑप्शन आपके व्योम, मंदाकिनी, द्रग या अजर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ मित्रों, आकाश का जो पर्यायवाची है वो व्योम होता है। देखिए मंदाकिनी की बात करें तो मंदाकिनी आकाश गंगा, आपने सुना होगा मंदाकिनी आकाश गंगा का। और अजर की अगर बात करें, अजर तो ये आपका अंगना का होता है। अंगना नहीं, आपने देखा जो घर के सामने जो बरामदा होता है उसे अंगना बोलते हैं, तो अंगना का पर्यायवाची होता है। अगर यहाँ पर द्रग की बात करें, जिसे दृग कहते हैं, इसका आंख का पर्यायवाची होता है। किसका? आंख का पर्यायवाची। तो सभी आप याद रखेंगे, आपसे आकाश का पूछा था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। एक शब्द यहाँ पर घोड़ा, और घोड़ा का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा है। ऑप्शन यहाँ दिया गया बी। देखिए घोड़ा का पर्यायवाची होता है तुरंग। यहाँ दोस्तों घोड़ा का तुरंग, होय, घोटक, ये सभी अश्व, ये सभी घोड़े के पर्यायवाची होते हैं। यहाँ पर बात करेंगे एक एक करके सभी ऑप्शन की तरफ। यहाँ पर देखिए नग की बात करें तो ये पर्वत का पर्यायवाची होता है, ठीक है। किसका? पर्वत का पर्यायवाची होता है। बात करें कृष्णा कृषाणों की, तो ये दोस्तों आग का पर्यायवाची होता है, आग या अग्नि, ठीक है। अटवी की बात करें दोस्तों, तो अटवी है ये जंगल का पर्यायवाची होता है, ठीक है। किसका? जंगल का। विपन भी जंगल का पर्यायवाची होता है। क्या? विपन, ठीक है। कानन भी जंगल का पर्यायवाची होता है।
कालन, तो ये सभी आप याद रखें कौन किसका पर्यायवाची होता है, यही रिपीट होकर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है, यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, महीधर, मेरु, भूषण और तुंग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये सभी से भिन्न है, बाकी तीनों एक से हैं। तो ये महीधर, मेरु और तुंग ये एक ही हैं और जो भूषण है वो इन तीनों से भिन्न है। अब किस प्रकार से, आप यहाँ पर देखेंगे महीधर, मेरु और तुंग ये तीनों के तीनों पर्वत के पर्यायवाची हैं, याद रखेंगे ये तीनों किसके पर्वत के पर्यायवाची हैं। वहीं अगर हम भूषण की बात करें, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, भूषण ये आभूषण या गहना होता नहीं, गहना, गहना का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है, बताएंगे इनमें से कौन सा अन्य सभी से भिन्न है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये सभी से भिन्न है। बाकी देखिए शुक, कीर और सुआ, ये जो तीनों शब्द दिए गए शुक, कीर और सुआ, ये सभी तोता के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है, किसके, याद रखेंगे साथियों, ये तोता के पर्यायवाची होते हैं। जबकि यहाँ पर बात करें ध्रुम की, ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया ध्रुम, ये वृक्ष का पर्यायवाची होता है, किसका, तो वृक्ष का पर्यायवाची होता है। इस प्रकार याद रखेंगे शुक, कीर और सुआ, ये तीनों ही तोता के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है, यही पैटर्न आपको फॉलो करना है, इसी प्रकार से आपको अध्ययन करना है, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछा कि इनमें से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है, ऑप्शन हो जाएगा बी, ये अन्य सभी से भिन्न है। बाकी समीर, मारुत और प्रबंधन, ये तीनों के तीनों हैं, ये आपके हवा या पवन, ठीक है, हवा या पवन के पर्यायवाची हैं। कौन कौन, याद रखेंगे, एक तो प्रबंधन, मारुत और समीर, ये तीनों ही हवा या पवन के पर्यायवाची हैं। अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी केतन की, तो ये केतन किसका पर्यायवाची है, तो दोस्त याद रखेंगे झंडा, ठीक है, जैसे 15 अगस्त पर जो हमने ध्वज फहराया था, ध्वज भी इसको हम कह सकते हैं क्या, झंडा, या फिर हम इसको ध्वज कह सकते हैं, पताका, तो ध्वज, पताका, कैन, ये सभी झंडे के पर्यायवाची, तो इस प्रकार ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बताएंगे दोस्तों, यश का कीर्ति, मद आशय, यमुना रविशुता और वर्षा पावस, इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों कमेंट करके बताएंगे आप लोग, 10वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये सही सुमेलित नहीं है। भक्ति के यश का कीर्ति होता है, मध्य का आशव होता है और वर्षा का वाशव होता है, तो ये सभी सही सुमेलित हैं। यमुना की अगर यहाँ पर बात करें, जो यहाँ पर दिया गया रविश्रुता, तो ये रविश्रुता आपका यमुना का ना होकर ये किसका होता है, आप याद रखेंगे ये तो घोड़े का पर्यायवाची होता है रविश्रुता, ठीक है, रविश्रुता किसका, घोड़े का पर्यायवाची होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, आज की क्लास का 11वां प्रश्न, 11वां प्रश्न आपके सामने है, सभी मिलकर स्कूल जाता है वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। या दोस्तों 10 अभी हमने पर्यायवाची के प्रश्नों को देखा, अब हम शुद्ध अशुद्ध के प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न है कि सभी मिलकर स्कूल जाता है वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा, तो दोस्त याद रखेंगे इसका जो सही रूप होगा वो आपको देखना है। ऑप्शन पहला देखेंगे, सभी मिलकर स्कूल गए, ये क्या सही है, तो हम कहेंगे ये भी गलत है। दूसरा ऑप्शन है कि सभी मिलकर साथ स्कूल जाते हैं, ये भी हमारा ऑप्शन क्या है, गलत है। सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, देखिए सभी मिलकर स्कूल गए नहीं, जाते हैं, ये होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, सभी साथ स्कूल जाते हैं, ये गलत हो जाएगा। सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, ये वाक्य आपका क्या होगा, सही वाक्य होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने है 12वां, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है, यानी शुद्ध वाक्य की आपको पहचान करनी है। चलिए ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, पहला है कि श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे, तो दोस्तों ये वापस क्या होगा, ये होना चाहिए श्री राम 14 वर्ष बाद वन से लौटे, ये होना चाहिए था, ये गलत हो जाएगा। दूसरा है श्री राम 14 वर्ष के बाद, ये भी देखिए गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला है श्री राम 14 वर्ष बाद, ये भी देखिए गलत हो जाएगा। अगला है श्री राम 14 वर्ष के बाद, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, वन से लौटे, आप देखिए वनवास दिया, ये गलत हो जाएगा। यहाँ श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस, वापस शब्द नहीं आना चाहिए, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे प्रश्नों की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, और मैं आप सभी को एक बुक बताता हूँ जिसका नाम है डॉक्टर हरदेव भारी, उसमें इस प्रकार के बहुत सारे वाक्य दिए गए, आप उस बुक को अच्छे से लगाएं, और घटना चक्र पूर्वावलोकन जी की बुक आती है उसको भी आप अच्छे से लगाएं। इन दोनों बुकों को अगर आपने अच्छे से कर लिया तो केवल आप प्रैक्टिस हमारे साथ मिलकर करते रहिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है कि जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पर जीवन और साहित्य का घोर संबंध होता है, कैसा संबंध होता है, वही आपका सही हो जाएगा। तो घोर की जगह आपको अलग अलग शब्द आपके दिए गए, जैसे पहला ऑप्शन है ये कह रहा है कि जीवन और साहित्य का निकट संबंध है, निकट शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है।
यहाँ पर देखिए दूसरा दे रहा है कि जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध होता है। देखिए यहाँ पर घोर दिया है या निकट दिया है या पास दिया है या परस्पर दिया है, ये सभी गलत है। इसका जो सही वाक्य होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घनिष्ठ संबंध। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य बताना है। ऑप्शन पहले की तरफ जाएंगे तो ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है कि उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा दिया, यहाँ पर आप पहले में देखेंगे ये गलत वाक्य है। दूसरा आपके सामने, वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा बैठा, ये भी गलत वाक्य है, पहला भी गलत दूसरा भी गलत। तीसरा उसने कमाई का अधिकांश भाग गवा दिया, ये भी दोस्तों गलत हो जाएगा। चौथा, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा दिया, देखिए यहाँ पर है शब्द दिया है, यहाँ पर कहीं नहीं दिया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही होगा। इनकी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य देखना है। उस शुद्धि में आप क्या देखेंगे, यहाँ पर वर्तनी शुद्धि आप देखेंगे, जैसे यह अपनी अनाधिकार चेष्टा या अनाधिकार दिया, ये अनाधिकार दिया या अनाधिकार दिया या अनाधिकार दिया, बताइए इनमें से कौन सा सही है। चारों ऑप्शन आप देखेंगे फिर आप डिसाइड करेंगे इसका सही वाक्य क्या होगा। इसका जो सही वाक्य होगा वो होगा, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है, अर्थात इसका जो सही वाक्य ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह आपकी अनधिकार, देखिए अनधिकार इस तरीके से लिखा जाता है, चेष्टा इस तरीके से लिखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चेष्टा पीछे आएगा अनधिकार चेष्टा के बाद, देखिए यहाँ पर ना के बाद डंडा लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें चेष्टा पहले दे दिया ये गलत हो जाएगा, इसमें चेष्टा यहाँ पर दिया यह चेष्टा आपका तो ये गलत हो जाएगा। इसका जो सही वाक्य ऑप्शन नंबर बी होगा, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। इसी क्रम में अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है, अब यहाँ पर शुद्ध वाक्य आपको बताना है, बताइए इसमें कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अगर बात करें ज्योत्सना की, तो ज्योत्सना मैंने आपको बताया था कई बार एग्जाम में पूछा गया ये गलत ज्योत्सना है, ज्योत्सना किस प्रकार से लिखा जाता है, तो आज आप एक बार पुनः देख लीजिए और जब भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आप इसको गलत नहीं करेंगे, ज्योत्सना इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, ये ना है आपका ज्योत्सना। ठीक है, अब आगे बात करेंगे उत्कर्षता की, तो उत्कर्षता शब्द दिया गया है, ये भी आपका कैसा लिखा गया है, गलत लिखा गया। इसको कैसे लिखा जाता है, ये उत्कर्ष होता है, कैसे लिखा जाता है, इसको उत्कर्ष होता है, इस प्रकार से आप लिखेंगे तो ये सही वर्तनी है। इधर हम बात करें विवर्त की, तो जो विवर्त दिया गया है ये आपका कैसा है, ये आपका सही वर्तनी है, ऑप्शन नंबर ए। विरहणी इस तरीके से नहीं लिखा जाता, विरहणी किस तरीके से लिखा जाता तो आप एक बार पुनः चेक करेंगे, विरहणी इस प्रकार से लिखा जाता। तो देखिये विरहणी इस तरीके से, ज्योत्सना इस तरीके से, उत्कर्षता नहीं होता, उत्कर्ष होता है, तो इस तरीके से ऑप्शन ए विवर्त बिल्कुल सही वर्तनी है। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख, एक अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, अब आप यहाँ पर बताएंगे कि गलत वर्तनी कौन सी है। देखिए दोस्तों यहाँ पर पहले की बात करें, यहाँ पर निरपेक्ष ये बिल्कुल सही वर्तनी ऐसे ही लिखा जाता है, अनधिकार ये भी इसी तरीके से लिखा जाता है, देवीप्यमान ये भी बिल्कुल सही इसी तरीके से लिखा जाता है, तो पौराणिक जो दिया ये गलत है, पौराणिक नहीं होता, पौराणिक होता है, क्या होता है, पौराणिक होता है, इस तरीके से देखिए पौराणिक छोटी की मात्रा होगी यहाँ पर डिक पर, तो इस तरीके से लिखा जाएगा पौराणिक, ये सही वर्तनी है, ऑप्शन नंबर सी गलत। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन करें, यहाँ पर आपसे अशुद्ध वर्तनी पूछी गई है, चार वर्तनी दी गई, देखेंगे कौन सी अशुद्ध वर्तनी है। देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दिया, ये गलत वर्तनी है। देखिए स्वास्थ्य बिल्कुल सही लिखा गया है, बुधवार आपका बिल्कुल सही लिखा गया है, बुधवार नहीं होता बुधवार होता है, उपलक्ष्य आपका बिल्कुल सही लिखा गया, यहाँ झज्जर दिया है, झज्जर इस तरीके से नहीं लिखा जाता, इसकी जो सही वर्तनी होगी वो दोस्तों इस प्रकार से होगी, झज्जर होता है, क्या होता है, झज्जर होता है, जबकि यहाँ पर दिया गया आपके देखिए झज्जर दिया है, तो ये झज्जर की जगह पर आपका क्या होगा, ये वर्तनी सही होगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख दिया गया, देखिए आज की क्लास का 19वां प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, आप बताएंगे इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है, 19वां प्रश्न है, और इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उसका प्रयत्न निष्फल गया, ठीक है, इसका जो सही वाक्य वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, आप यहाँ पर बताएंगे अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। ठीक है, अशुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है। देखिए यहाँ पर जो चावल शब्द दिया गया है, चावल, ये चावल बिल्कुल सही वर्तनी है। ठीक है, गवार जो शब्द दिया गया है, और एक यहाँ पर दिया गया धुनक्कर, देखिए धुरंधर दिया गया, ये बिल्कुल सही वर्तनी है, जंजीर ये भी बिल्कुल सही वर्तनी है, तो गवार आपकी गलत वर्तनी होगी। गवार कैसे लिखा जाएगा तो आप एक बार यहाँ पर चेक कर लेंगे, गवार किस तरीके से लिखा जाएगा, देखिए दोस्तों इस तरीके से गवार आपका लिखा जाता है,
चंद्रकार बिंदी होती है, चंद्रमा वाली बिंदी होती है, तो गवार इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है आप याद रखेंगे, गवार होता है, गवार नहीं गवार, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि 21वां कि घरेलू गाय में बहुत ज्यादा दूध होता है, उक्त वाक्य में बताएंगे एक विशेषण, एक विशेष, दो विशेषण, दो विशेष, दो विशेषण, तीन विशेष, तीन विशेषण, दो विशेष, बताइए 21 में क्या है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दो विशेषण हैं और दो विशेष हैं। अब कौन कौन से दो विशेषण हैं, तो देखिए घरेलू और बहुत ज्यादा, यहाँ पर आप देखेंगे एक तो इसमें घरेलू दिया गया है और बहुत ज्यादा, ये दोनों क्या है, ये दोनों विशेषण हैं। और यहाँ पर बात करें गाय की, यहाँ जो गाय है और दूध है ये क्या है, ये दोनों विशेष हैं। तो इस प्रकार दो विशेषण और दो विशेष होंगे ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि 40 फेर घी में विशेषण कौन सा है, तो दोस्त याद रखेंगे इसका जो सही जवाब होगा 40 शेर घी में कौन सा विशेषण है, तो आंसर होगा निश्चित परिमाण बोधक विशेषण। यहाँ दोस्तों 5 गज इस प्रकार के ऑप्शन आते हैं, 5 गज, 20 गज, ठीक है 40 फेर घी, इस प्रकार के जो ऑप्शन आते हैं ये सब के सब आपके निश्चित परिमाण बोधक विशेषण होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो संख्या है 40 ये निश्चित कर दी गई है। ठीक है, शेर वर्ग ही ऐसे होता तो आप इसमें थोड़ा कहते कि भाई ये तो क्लियर नहीं हो पा रहा है, यहाँ के 40 शेर घी यहाँ पर संख्या निश्चित रहता, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अब यहाँ पूछा 23 में निम्न में से कौन विशेषण है, बताएंगे सिद्धि, आकर्षण, अध्ययन या मानव, तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है विशेषण आपसे पूछा है, मानव आपका विशेषण हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा विशेषण मानव, देखिए आकर्षण की बात करें इसका जो विशेषण बनेगा वो आपका क्या बनेगा, तो दोस्तों याद रखें इसका आकृति बनेगा, क्या बनेगा आकृष्टि, आकृष्ट बनेगा आकृष्ट, ठीक है क्या बनेगा, तो आप याद रखेंगे इसका आकृष्ट बनेगा, किसका आकृष्ट से बना आकर्षण। यहाँ पर देखिए सिद्ध दिया है, सिद्धि तो सिद्धि का होता है सिद्ध, ठीक है सिद्धि का क्या होता है सिद्ध होता है, अध्ययन का क्या होता है तो याद रखेंगे अध्ययन का होता है अधीन, क्या होता है अधीन, अधीत होता है अधीत, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि मिश्रा जी मेला से 70 किलो दाल, 20 किलो आलू और 10 किलो प्याज लेकर आए, उक्त वाक्य में कुल कितने विशेषण हैं, देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, यहाँ पर आप याद रखेंगे जो मिश्रा जी है मेला से 70 किलो दाल, 20 किलो आलू और 10 किलो प्याज लेकर आए, इस वाक्य में कुल कितने विशेषण हैं, तो दोस्तों इसमें 3 विशेषण हुए। अब वो 3 विशेषण कौन कौन से हुए, देखिए पहले में हुआ 70 किलो, ठीक है पहले में क्या हुआ 70 किलो, दूसरे में 20 किलो और तीसरे में 10 किलो, यही तो प्याज, यही तो क्या है आपके ये विशेषण है, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न सुमिलित नहीं है, एक तरफ विशेष और दूसरी तरफ विशेषण दिए गए, बताइए इनमें कौन सा सुमिलित नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सुंदर का सुंदरता का सुंदर होगा ये बिल्कुल सही है, क्रय का क्रीत होता है ये भी सही है, स्वर्ण का स्वर्णिम ये भी बिल्कुल सही है, पंजाबी का पंजाब ये गलत हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि पंजाबी गुणवाचक विशेषण है, क्या है पंजाबी गुणवाचक विशेषण है जो स्थान विशेष की विशेषता बताता है, तो ये ऑप्शन पहला गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है, बताएंगे इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है, तो दोस्तों याद रखेंगे इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रेमी, जी हाँ दोस्तों प्रेमी विशेषण है, क्योंकि प्रेम क्या है आपका विशेष और प्रेम से बना है प्रेमी, इस प्रकार प्रेमी क्या हुआ विशेषण हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे आप 27 में, अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए बताएंगे इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है, सिद्धांत आपका विशेषण नहीं है, देखिए लो भी विशेषण है, सैंधव विशेषण है, नागरिक विशेषण है, यहाँ पर जो सिद्धांत है ये आपका विशेषण नहीं है, ये क्या है ये विशेष है, और सिद्धांत का जो विशेषण होगा वो होगा सैद्धांतिक, तो यहाँ पर सिद्धांत दिया ये विशेष है और सिद्धांतिक आपका विशेषण होता है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है शेरू शर्मा जी का पालतू कुत्ता है, निम्न में से मुख्य विशेषण क्या है, आपको मुख्य विशेषण बताना है कि शेरू शर्मा जी का पालतू कुत्ता है, तो दोस्तों इसमें जो पालतू कुत्ता कैसा है पालतू, तो पालतू ही तो क्या हुआ मुख्य विशेषण होगा, और कैसा गुणवाचक विशेषण, क्योंकि इसकी विशेषता क्या है पालतू कुत्ते की, पालतू है किसकी कुत्ते की, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा पालतू हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। अगला 21वां में कौन सा विशेषण है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप पीवाई को उठाकर देखोगे 2021 का प्री और मेंस का, तो आप देखेंगे कि इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे। अब देखिए अपन संख्या देगी 21वां, 11वां, 30वां, 44वां, तो ये क्या हुआ क्रम हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्रमवाचक ऑप्शन नंबर बी, ठीक है क्रमवाचक विशेषण होगा ये, कौन सा 21वां। अगला प्रश्न है
अच्छे लोग सुबह उठते हैं, उक्त वाक्य में कौन विशेषण है? तो देखिए लोग कैसे हैं, अच्छे लोग कब उठते हैं, सुबह उठते हैं, तो इस वाक्य में आपसे विशेषण पूछा है। इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा अच्छे। लोग कैसे हैं, तो लोग हुआ आपका विशेष और अच्छे क्या हुआ आप याद रखेंगे, ये हो जाएगा आपका विशेषण। और कैसा विशेषण तो कमेंट करके बताएंगे, अच्छे भले बुरे ये कैसे विशेषण के अंतर्गत आता है, ठीक है? तो कमेंट करके बताएंगे, इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? दोस्तों लगातार हम विलोम की यूट्यूब पर लेक्चर ले रहे हैं जिसमें घटनाचक्र पूर्वावलोकन को करा रहे हैं। अगर आपने केवल उस वीडियो को ही पूरा देख लिया टाइम टेबल से, जितने भी लेक्चर कराए जा रहे हैं, आपका एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि उसमें सारे पीवाईक्यू कराए जा रहे हैं, संभावित प्रश्नों को ध्यान में रखकर उनकी व्याख्या भी कराई जाती है। तो आप उस लेक्चर को अवश्य देखें, डेली आपको वो चलता है। उसके 5 लेक्चर आपके यूट्यूब पर आ चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है आरओआर हिंदी के नाम से। आप एक बार प्लेलिस्ट को पूरा फॉलो कीजिए। हिंदी की 60 में 60 अगर आपको लाना है तो कंटिन्यूटी आपको बनानी पड़ेगी, 60 में 60 तभी आपको आएंगे। रेगुलर आपको पढ़ना पड़ेगा हिंदी को, ठीक है? यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सा विलोम गलत सुमेलित नहीं है, यहाँ कह रहा कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है? बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। इसका जो सही जवाब होगा वो आपको बताना है। जैसे यहाँ पर एक एक करके बात करेंगे। यहाँ पर दिया देखिए, पहला सुदिन, और सुदिन का जो विलोम होता है ये गलती दे दिया। सुदिन का होता है दामिनी, क्या होता है तो आप याद रखेंगे, सुदिन का जो विलोम होता है वो होता है दोस्तों दामिनी, ठीक है? तो पहला गलत है। असन का होता है अनशन, ये आपका बिल्कुल सही है। वरिष्ठ का होता है कनिष्ठ, ये भी आपका सही है। अत का क्या होता है इत, ये भी सही है। याद रखेंगे शुदिन का जो विलोम होगा वो होगा दामिन, ऑप्शन नंबर ए गलत है। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है कि निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पर भी आप बताएंगे इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए साचर की बात करें तो दोस्तों इसका अलगाव होता है, ये बिल्कुल सही है। ग्रस्त का विलोम मुक्त होता है, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए पता है सगुण का जो विलोम होता है दोस्तों दुर्गुण नहीं होता, इसका होता है निर्गुण। क्या होता है आप इसका नोट करना चाहते हो कर सकते हैं, निर्गुण होता है, ठीक है? किसका? सगुण का। तो ये गलत हो जाएगा। अमर का क्या हो जाएगा? मर्त्य हो जाएगा। तो ये भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आप बताएंगे इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। आदृत की बात करें तो इसका होता है तिरस्कार, ये बिल्कुल सही है, तिरस्कृत। दूसरा उद्दत का विनीत होता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। उपमेय का आपका उपमान होता है, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पर? उपमान, ठीक है? इसका क्या होगा याद रखेंगे, इसका उपमान होगा, यहाँ पर अनुपादेय दिया है तो ये गलत हो जाएगा। रिद्धि का क्या होगा? विपन्न होगा, ठीक है? तो ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही है, मतलब सी से गलत है, बाकी तीनों ही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 34वां, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आप इसमें याद रखेंगे कि ऊपर का होता है उर्वर, या उर्वर का ऊपर ये सही है। ईशान का नैऋत्य, ये भी बिल्कुल सही है। उन्मूलन का रूपण, ये भी बिल्कुल सही है। यथार्थ का आर्म, ये गलत है। देखिए यथार्थ का क्या होता है, एक तो आदर्श होता है, यथार्थ का या तो ऑप्शन में आदर्श होना चाहिए, और यहाँ पर ये रा इस पर उड़ेगा, देखिए या तो आदर्श होना चाहिए या पर कल्पित होना चाहिए, क्या या फिर आपका कल्पित होना चाहिए, इन दोनों में से होना चाहिए था यथार्थ का, आदर्श या कल्पित, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विलोम सुमेलित नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिये कृपण की बात करें तो इसका उदार होता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ग्रस्त का ब्रह्मचर्य होता है, ये भी बिल्कुल सही है। गुणवान का गुणहीन होता है, ये भी बिल्कुल सही है। उद्भव का अनुदात, ये गलत हो जाएगा। उद्भव का अवशान होता है, क्या होता है? अवशान। तो आप याद रखेंगे उद्भव का क्या होगा? अवशान, ऑप्शन नंबर डी गलत है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख दिया गया, देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विलोम सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, याद रखेंगे इसका जो सही जवाब होगा वो, देखिए घातक का रक्षक, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका झंकृति का, तो ये गलत हो जाएगा, तो बी गलत हो जाएगा। ये झंकृति दिया, इसका क्या होगा? निस्तंभ होगा, याद रखेंगे इसका निस्तब्ध होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, निस्तब्ध, ठीक है, ये गलत है। तुष्ट का क्या होगा? रुष्ट होता है। दाखिल का खारिज होता है, तो ये सभी सही है। अगला, निम्नलिखित में से आसीम का विलोम शब्द है, बताएंगे आसीम, सॉरी असीम का विलोम क्या है? याद रखेंगे असीम का होता है ससीम, ऑप्शन नंबर सी। अगला सुमेलित नहीं, आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए ग्रहित का व्यक्त, ये बिल्कुल क्या है? ऑप्शन ए सही है। दूसरा आपका गुरुत्व का लघुत्व, ये भी आपका क्या है? सही है। तीसरा आपका आकीर्ण का विकीर्ण होता है, यहाँ पर क्या दे संकीर्ण, ये गलत हो जाएगा। आकीर्ण का क्या होगा? विकीर्ण होता है, इस प्रकार से विकीर्ण, ठीक है, तो याद रखेंगे आकीर्ण का विकीर्ण। क्रोध का क्षमा, ये भी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत था, बाकी सभी सही है। अगला यहाँ पर भी पूछा गया कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइए, ऑप्शन आप सभी के सम्मुख है।
देखिए अर्जित की बात करें तो अर्जित का जो विलोम होता है अनर्जित है, उपलब्ध दिया है, क्या होगा अनर्जित, अनर्जित ये होना चाहिए, तो पहला गलत हो गया। ठीक है, आदोष, अदोष का सदोष ये सही है, अवेच्छा का अनवेच्छा ये भी सही है, आलोक का तिमिर ये भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। अगला उन्मूलन का विलोम क्या होगा, तो दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया उन्मूलन का होता है क्या, या तो आरोहण होगा या फिर रोपण होगा, तो इसमें आप देखिए क्या है, आरोहण ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ रोपण होता तभी आपका सही हो जाता, क्या रोपण, ठीक है आरोपण या रोपण दोनों में से कोई हो सकता है उन्मूलन का। अगला खाने से बचा हुआ झूठा भोजन के लिए एक शब्द क्या होगा, तो दोस्त याद रखेंगे जो खाने से बचा हुआ झूठा होता है उसे कहते हैं उच्छिष्ट, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है क्या कहा जाता है उच्छिष्ट। अभी आप देखिए बुभुक्षा ये क्या होता है, तो खाने की इच्छा रखने वाले को कहा जाता है बुभुक्षा, ठीक है ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव जैसा है के लिए एक शब्द क्या होगा, तो दोस्त याद रखेंगे उसके लिए हम क्या कहेंगे, उसे कहते हैं स्त्रीड़ी, क्या कहा जाता है स्त्रीड़, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर एक शब्द दिया असूर्यपस्या, इसको क्या कहा जाता है याद रखेंगे, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे कहते हैं असूर्यपस्या। एक यहाँ दिया प्रियदर्शी, तो प्रियदर्शी कहते हैं जो देखने में प्रिय लगे उसे कहते हैं प्रियदर्शी। एक यहाँ दिया समदर्शी, जो सबको समान भाव से देखे उसे कहते हैं समदर्शी। तो आपसे पूछा है कि जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव जैसा हो उसे कहते हैं स्त्रैड, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 15 दिन में एक बार होने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, बताइए दोस्तों 15 दिन में एक बार होने के लिए एक शब्द क्या होगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो दोस्त याद रखेंगे 15 दिन में होने वाले के लिए एक बार उसे कहते हैं मासिक। अब यहाँ पर आप याद, सॉरी मासिक नहीं, इसको कहते हैं, देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 15 दिन में एक बार होने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो 15 दिन में एक बार होने वाले कहते हैं पाक्षित, ऑप्शन नंबर ए। मासिक किसे कहते हैं, महीने में एक बार होने वाले के लिए या माह में एक बार होने वाले के लिए। त्रैमासिक किसे कहा जाता है, त्रैमासिक, तो तीन महीने में एक बार होने वाले के लिए त्रैमासिक कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो लोगों के बीच परस्पर होने वाली बातचीत के लिए एक शब्द है, बताएंगे दो लोगों के बीच परस्पर होने वाली बातचीत के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसे कहेंगे कथोपकथन, ऑप्शन नंबर बी, क्या कहा जाता है उसे कथोपकथन। एक यहाँ शब्द दिया किंवदंती, तो किंवदंती किसे कहते हैं, जो बात पूर्व काल से लोगों से सुनकर प्रचलन में चली आ रही हो उसे कहते हैं किंवदंती। एक शब्द यहाँ दिया गया कथित, याद रखेंगे जो कहा गया है उसे कथित कहते हैं, ये तीनों के तीनों पॉइंट आपको याद रखने, ऐसे ही एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जिस स्त्री के एक ही संतान होकर फिर कोई संतान न हुई हो के लिए एक शब्द क्या होगा, यानी कैसे स्त्री जिसके केवल एक ही संतान हुई हो उसे क्या कहेंगे, तो दोस्त याद रखेंगे उसे कहते हैं काकवंध्या, ऑप्शन नंबर सी। या दोस्तों काकवंध्या, एक शब्द यहाँ पर क्रीत, क्रीत किसे कहा जाएगा, जिसे खरीद लिया गया हो उसे क्रीत कहते हैं, या एक शब्द है वंध्या खाली, तो वंध्या कमेंट करके बताएंगे वंध्या किसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जिसके सर पर बाल न उगे के लिए एक शब्द क्या होगा, जैसे हमारे नीरज, जिसके सिर पर बाल न उगे के लिए एक शब्द क्या होगा, बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं और इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा खलवाट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक यहाँ देखिए शब्द दिया खेचर, खेचर क्या होता है, जो नभ में चलता है उसे क्या कहते हैं खेचर कहते हैं। एक यहाँ दिया देखिए चंपू, जैसे भी आपको पता है एक बहुत ज्यादा विवादित मुद्दा रहा था सीमा हैदर और सचिन वाला, तो अब चंपू कहा गया था सचिन को, तो वो था गद्य पद्य मिश्रित काव्य वाला शब्द, उसे कहते हैं चंपू, क्या कहते हैं गद्य और पद्य मिश्रित वाक्य जो होता है उसे चंपू कहा जाता है। गुरुत्व क्या होता है, तो दोस्तों याद रखिए गुरु की हत्या करने वाले मनुष्य को यहाँ पर गुरुघ्न कहा गया है, क्या कहा गया गुरुघ्न, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसके सर पर बाल कभी ना उगे हों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा, यहाँ दोस्तों एक शब्द है अनुश्रुति, बताएंगे कौन सा वाक्य जिसके लिए अनुश्रुति शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ ऑप्शन आप सभी के सम्मुख दिए गए हैं और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा परंपरा से सुना हुआ उसे क्या कहते हैं अनुश्रुति, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परंपरा से सुना हुआ उसे अनुश्रुति कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द है सुन कर भी न सुनने का नाटक करना उसे कहते हैं अनुसुना, क्या कहते हैं अनसुना, कि बात को तो सुन लिया फिर भी नाटक ऐसे करा जैसे इसने कुछ सुना नहीं, तो उसे कहते हैं अनुसुना। ठीक, अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है कि नित्य दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए एक वाक्य बताइए, या मित्रों प्रतिदिन भोजन कराने वाले व्यक्ति को या जो वाक्य उसके लिए क्या शब्द होगा, कि नित्य दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए एक शब्द क्या होगा, तो दोस्त याद रखेंगे ऐसे शब्द को कहा जाता है शदावर्त, ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों शदावर्त,
एक शब्द है आप देखिए स्वदेज, स्वेदज, ये स्वेदज क्या होता है, तो पसीने से उत्पन्न होने वाले को स्वेदज कहा जाता है। ठीक, एक शब्द यहाँ पर त्रियामा, त्रियामा किसे कहा जाता है, रात्रि का तीसरा जो पहर होता है उसे हम त्रियामा कहते हैं। तो आप इन तीनों को ही याद रखेंगे। सदावर्त किसे कहते हैं, जो नित्य दिन दुखियों को भोजन कराता है उसे सदावर्त कहते हैं, जो पसीने से उत्पन्न होता है उसे स्वेदज कहते हैं, और रात्रि का जो तीसरा पक्ष होता है या तीसरा जो पहर होता है उसे त्रियामा कहते हैं। अगला प्रश्न है, वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए के लिए एक शब्द क्या होगा, बताइए, इंपोर्टेंट प्रश्न है, वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए के लिए एक शब्द क्या होगा, तो दोस्त याद रखेंगे उसके लिए होगा रूपक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, रिक्त शब्द के लिए वाक्य क्या है, इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रिक्त, तो किसको रिक्त कहा गया है, आप बताएंगे कमेंट करके, तो दोस्त याद रखेंगे रिक्त कहा जाता है उत्तराधिकार से मिली जायदाद को, रिक्त कहा गया है, ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, उत्तराधिकार में जो जायदाद प्राप्त होती है उसे रिक्त कहा जाता है। एक यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि जीवन का खालीपन, तो बताइए दोस्तों जीवन के खालीपन को किस नाम से जानते हैं। एक शब्द दिया गया कि कुछ लाभ पाने की चाह, याद रखेंगे कुछ लाभ पाने की चाह को कहते हैं लिप्सा, क्या कहा जाता है उसे, लिप्सा कहा जाता है। ठीक है, एक शब्द और है, युद्ध करने की प्रबल इच्छा रखने वाले को कहा जाता है युयुत्सा, क्या कहा जाता है, युयुत्सा। ये तीनों ही पॉइंट याद रखेंगे, एक रिक्त कहा जाता है उत्तराधिकार से मिली जायदाद को, युद्ध कुछ लाभ प्राप्त करने की चाह को लिप्सा कहा जाता है, युद्ध करने की प्रबल इच्छा को युयुत्सा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है, तो दोस्त याद रखेंगे मैंने आप सभी को एक तत्सम तद्भव ऊपर एक ट्रिक की वीडियो बनाई थी कि जिस भी शब्द के ऊपर, जिस भी अक्षर के ऊपर ये वाला बिंदी आपको मिल जाए तो वो हमेशा तद्भव होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है, यहाँ पर भी आपसे तद्भव शब्द पूछा है, तो मैंने आपको एक शब्द और बताया था कि जिस भी वाक्य में आपको वह शब्द मिल जाए, वह अक्षर मिल जाए, तो आपका क्या होता है, तद्भव होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बच्चा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए, यहाँ पर देखिए एक तरफ तत्सम और दूसरी तरफ तद्भव दिए गए, आपको पहचान के बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए करौंदा की बात करें तो करौंदा का होता है करमर्द, तो ये आपका सही हो जाएगा। खिचड़ी की बात करें तो होता है क्रशर, तो ये भी सही है। यहाँ पर गठना की बात करें तो इसे कहते हैं ग्रंथन, तो ये भी आपका सही है। अब बचा आपका चमगादड़, तो चमगादड़ को यहाँ पर दिया चत्वर, क्या चमगादड़ का चत्वर होता है, ये गलत हो जाएगा। ये चत्वर किसका होता है, याद रखिए चबूतरा का होता है, किसका, चबूतरा, ये दोस्तों चबूतरा का होता है चत्वर। तो भाई चमगादड़ का क्या होता है, तो चमगादड़ का होता है दोस्तों आप याद रखेंगे चर्म, आप याद रखेंगे चटक, क्या होता है, चर्म चटक, ये किसका होता है, तो ये होता है चमगादड़ का चर्म चटक, और चबूतरा का होता है चत्वर, तो ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख दिया गया है, देखिए प्रश्न है कि तद्भव से तत्सम बने सही युग्म को चिन्हित कीजिए, बताइए इनमें से कौन सा ऐसा जोड़ा है जो तद्भव से तत्सम में परिवर्तित हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुरुष, पुरुषार्थ का हो जाएगा पुरुषार्थ, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, आप बिल्कुल इजीली तरीके से पहचान सकते हैं, तद्भव हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी केश, या दोस्तों केश शब्द आपका तद्भव हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, यहाँ पर भी आपको तत्सम तद्भव की पहचान करनी है, कौन सा युग्म गलत युग्म है ये आपको बताना है, 56 में ऑप्शन आप देखेंगे और बताएंगे इनमें से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, तो दोस्त याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है। नींबू का निम्ब दिया है, देखिए फिटकरी का स्पटक दिया, ये बिल्कुल सही है। पल्ला का पल्लव दिया, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तलवार का तखारी दिया, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो नींबू का क्या होगा, निम्ब नहीं होगा, निम्बुक होगा, यहाँ पर छोटे की मात्रा होती और यहाँ पर क होता, तो आपका नींबू का हो जाता निम्बुक, तो ये सही होता, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि कौन सा तत्सम नहीं है, बताएंगे इनमें से कौन सा तत्सम नहीं है, दोस्त याद रखेंगे इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये तत्सम नहीं है। तो जो त्योहार दिया है, त्योहार तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम होता है वो होता है तिथिवार, क्या होता है, याद रखेंगे इसका जो तत्सम होगा तिथिवार होता है। ठीक है, त्योहार का तिथिवार, बाकी तीनों के तीनों आपके तत्सम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है, बताइए इनमें से कौन सा जोड़ा सही है। यहाँ पर आप देखेंगे चौथा का चतुर्थ, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला ही, ठीक है, चौथा का चतुर्थ होता है, यही सही है। अगला, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म सही है, बताएंगे यहाँ पर आप देखेंगे पुराना का होता पुराण, ऑप्शन नंबर बी ये सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, इनमें से आपको तद्भव शब्द छांटना है,
तो जो वीर सना है ये आपका तद्भव शब्द है, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये तो थे दोस्तों आज की क्लास के फुल मॉक टेस्ट के 60 प्रश्न। इसी प्रकार हिंदी के फुल मॉक टेस्ट मिलते रहेंगे और बहुत जल्द जीएस के भी फुल मॉक टेस्ट आप सभी के सम्मुख डिस्कस किए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ, और पहली बार चैनल से जुड़े तो बेल आइकन वाला बटन अवश्य दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो आपको प्राप्त हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जो बताएं, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें जिससे कि इसका पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा। थैंक यू।